पॉइंट टेबल जरा सा आप जरूर दिखा दीजिएगा कि पॉइंट टेबल के ऊपर अब क्या सिचुएशन है, क्या अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट में फर्क आया है? जी नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया नेट रन रेट में आगे चल रही है। तो मतलब कल बांग्लादेश को जीतना है, अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा पॉइंट से मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेगी और वाकई उनकी ऑस्ट्रेलिया से ऊपर नेट रन रेट हो जाएगी तो बांग्लादेश थ्रू हो जाएगी, अदरवाइज कल बारिश होती है अफगानिस्तान थ्रू, कल अफगानिस्तान जीतती है अफगानिस्तान थ्रू, तो ऑस्ट्रेलिया का चांस कम है, लेकिन हो सकता है कि हारने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाए। बट मैं चाहता नहीं ऑस्ट्रेलिया मैं भी नहीं चाहता कल बांग्लादेश डिजर्व नहीं कर रही है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच ना सेंट विंसेंट में, जहां पे आपका अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। अब अगर आप उस ट्रैक की बात करो, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, अफगानिस्तान को एक पॉइंट मिलेगा, तीन पॉइंट अफगानिस्तान के हो जाएंगे, खत्म है मामला। अफगानिस्तान कितने अच्छे फॉर्म में थे उसी सेंट विंसेंट के पिच पे यार, क्या ऐसे पहुंच के इस तरीके से कि बांग्लादेश जीत जाए। हिमांशु ने इक्वेशन भी भेज दी है कि जो बांग्लादेशी फैंस देख रहे हैं, भाई बांग्लादेश की भी तो इक्वेशन है, बांग्लादेश भी क्वालिफाई कर सकता है। अभी बांग्लादेश के दो पॉइंट नहीं हुए, अगर बांग्लादेश ने कल अफगानिस्तान को हरा दिया, कितने रन से हराना है कि वो क्वालिफाई कर जाए, कि उनकी नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हो जाए? अगर बांग्लादेश ने 61 रन से हरा दिया, 61 रन से अगर बांग्लादेश ने हरा दिया अफगानिस्तान को, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर बांग्लादेश थ्रू हो जाएगी। या फिर अगर बांग्लादेश वहां पे चेज कर रहा है तो 13 ओवर में चेज करना है, 13 ओवर्स में, अगर वो तो नहीं होने वाला, अगर 61 भी नहीं होने वाला वैसे तो, लेकिन अगर 61 रन से बांग्लादेश हरा देता है अफगानिस्तान को, तो बांग्लादेश विल बी थ्रू, ऑस्ट्रेलिया विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। देखिए ऑस्ट्रेलिया का बहुत कम चांस है, अब ऑस्ट्रेलिया तब बाहर हो जाएगी अगर अफगानिस्तान जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया तब बाहर हो जाएगी अगर वहां पे बारिश हो जाए, ऑस्ट्रेलिया तब बाहर हो जाएगी अगर बांग्लादेश 61 रन से जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया किस केस में आगे जाएगी? अगर बांग्लादेश मैच जीते अफगानिस्तान से और कम मार्जिन से जीते, मतलब 61 रन से कम में जीते, या फिर 14-15 ओवर में जाके चेस करे, या 15 ओवर से ज्यादा, तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया दो मैच हार कर भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। लेकिन आप लोगों को अभी कितना भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी हारने के बावजूद भी सेमीफाइनल में आ रहा है? यार बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान ने उस पिच पे काफी खेल लिया है, उस ग्राउंड पे एक दो मैच खेल लिए, बांग्लादेश पहली बार खेलेगी, और जो 61 रन का मार्जिन है, मैं तो कह रहा हूँ कि बांग्लादेश 61 रन के मार्जिन के लिए जाएगी, अगर उनके पास भी चांस है भाई 60-70 रन से आप जीतो आप थ्रू हो जाओ, मुझे लग रहा था 100 रन का मार्जिन होगा, अगर हालांकि अफगानिस्तान के सामने आसान नहीं है कि आप 60-70 रन का मार्जिन से मैच निकाल दो, लेकिन डिपेंड्स ऑन डे भाई, अगर कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो जाए, कोई आप 100 रन पे ढेर कर दो अपना अफगानिस्तान, मैच जीत जाओ 13 ओवर में 100 रन कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो दिन के ऊपर डिपेंड करता है, बांग्लादेश का भी जेन्युइन चांस है, लेकिन ज्यादा किसी का चांस लग रहा है तो अफगानिस्तान का ही लग रहा है, क्योंकि एक तो बारिश भी होगी तो ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान जीत भी जाती है, चाहे एक रन से क्यों ना जीते, अफगानिस्तान थ्रू है, और कायदे से अगर अब अफगानिस्तान कह रहे हो, जो मुझे भी लग रहा है कि अफगानिस्तान आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया का आना बहुत मुश्किल है, तो मतलब जो आपका सेमीफाइनल एक और होगा वो होगा अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल होगा, अफगानिस्तान भी कोई बड़ी बात नहीं कि जहां तक चांसेस की बात है, जो पूछा कि ऑस्ट्रेलिया के कितने चांसेस है, तो चांसेस तो बोलूंगा माइनस 80% 100% माइनस, जो भी आप लगा ले, क्योंकि 1% मुझे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नजर नहीं आ रहा, चाहे देखो जो इक्वेशन आई है 60 रनों की, मुझे नहीं लगता बांग्लादेश, देखो अगर उनका बहुत अच्छा दिन हुआ, अगर वो इस इक्वेशन से जीत गए तो बांग्लादेश थ्रू है, ऑस्ट्रेलिया तो थ्रू नहीं है, जो वहां पर कर रहे हैं कप्तान वहां के ऑस्ट्रेलिया के, कमऑन बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश जीत गया दिन अच्छा हुआ, बांग्लादेश थ्रू है, अफगानिस्तान की मेहनत बर्बाद, ऑस्ट्रेलिया ने तो मेहनत की नहीं इस वर्ल्ड कप में, बट अगर हम लॉजिक तो देखे ना कि कल अफगानिस्तान बांग्लादेश के मैच में बांग्लादेश को किस चीज को टारगेट करना चाहिए जिससे वो शायद कर सकते हैं, दैट कुड बी 61 रन्स मार्जिन, बिकॉज अफगानिस्तान के बॉलिंग लाइनअप के सामने अगर आपको वो स्पेसिफिक ओवर्स दिए जाएं कि आपको उसके अंदर चेस करके दिखाना है, ना तो बांग्लादेश की बैटिंग में उतना दम आपको नजर आता है और ना ही आपको अफगानिस्तान की बॉलिंग उतनी धीमी नजर आती है जो बांग्लादेश के बल्लेबाजों को उस सीमित टारगेट के अंदर रन्स बनाने दे कहीं ना कहीं। और अगर आप बात करते हैं अफगानिस्तान को आप रोक क्यों सकते हैं 61 रन्स के मार्जिन से, रीजन क्योंकि अफगानिस्तान की अगर आप पहले की दो विकेट ले लेना, उसके बाद बांग्लादेश की बॉलिंग में इतनी ताकत है कि वो नीचे के विकेट ले सकते हैं, क्योंकि जितना
इतना वीक अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर है तो उनको वहां पर टारगेट करके 61 रन का मार्जिन मुकम्मल किया जा सकता है, बिल्कुल वही हो सकता है। बट ऑस्ट्रेलिया का तो कोई चांस नहीं है भाई यहाँ से, बहुत मतलब ये है कि अफगानिस्तान हार जीत गई, हार जाएगी बांग्लादेश आज तक बाय द वे अफगानिस्तान से हारी नहीं है। बांग्लादेश अगर इस बार अफगानिस्तान फेवरेट है। अच्छा चलो मैं मानता हूँ इंडिया अफगानिस्तान जाती है। हाँ। अब तो भैया आगे की बात करते हैं, आज की तो कितनी तारीफें करें, बहुत जो कर दिया हमने कर दिया, कांड तो होने था, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो हमसे कहां से जीतते हो, तो चलो जी अब तो हम आगे जा रहे हैं। अगर इंडिया अफगानिस्तान आती है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में तो इंडिया जीत रही है, एवरीबॉडी अग्रीज, अगर अनहोनी ना हो तो भाई इंडिया को जीतना चाहिए। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में, क्या अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकती है? मैच देखना होगा किधर है, कहां पे है, तो वहां की विकेट यार वैसे मैच हुआ नहीं है वैसे वहाँ पे, एक बहुत रेयर एक मैच त्रिनिदाद में है, हाँ बहुत कम एक तो बारिश में, सॉरी बारिश में धुल गया तो मैच ही नहीं हुआ इस बार। चलिए वैसे भी ऑन मेरिट ऑफ द टीम्स, क्या अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा, अफगानिस्तान वो टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया यार, देखिए अगर वहां पे थोड़ी स्पिन 20 ट्रैक मिल जाए, साउथ अफ्रीका आज जैसा मैच जीती जैसा इंग्लैंड से वो मैच जीते, वो टीम भी लग रही है भाई बहुत खतरनाक, वो टीम जो है वो मर मर के मतलब हर बार उनको इक्वेशन मिलती है कि भाई यहां से आ रहे यहां से आ रहे, आज देखो यार मार्को एंसन वो लास्ट में आकर छक्का मार के जिता गया, तो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका देखो वैसे अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया डोमिनेटिंगली हराया है तो हरा सकती है साउथ अफ्रीका को, लेकिन एट द एंड अगर साउथ अफ्रीका को देखें जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल के है, वन साइडेड मैच उन्होंने जो दूसरी टीमों के बन रहे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो छीने भाई, इंग्लैंड वन साइडेड जीत रहा था वो मैच उनसे छीन लिया, वेस्ट इंडीज जीत रहा था वो मैच उनसे छीन लिया, सो साउथ अफ्रीका हार नहीं मान रही है इस बार। अगर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका होता है आई थिंक साउथ अफ्रीका वो मैच निकाल, और मुझे पता है मुझे लग रहा है वो एक और फैक्टर आपको बताऊं, जो भी विकेट हो कि साउथ अफ्रीका की टीम ना बाय द वे स्पिनर्स को बहुत अच्छा लपेटती है, इतना मुझे समझ आता है भाई कि साउथ अफ्रीका की टीम स्पिनर्स को बहुत अच्छा लपेटती है, और अफगानिस्तान की तीन बेहतर खिलाड़ी उनके पास स्पिनर्स खेलने वाले, मैं कह रहा हूं उनकी स्ट्रेंथ अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ थी उनके तीनों मिडल ऑर्डर, अपने स्पिनर्स तोड़ दिए ना अफगानिस्तान मैच में शायद वापस ना आ पाए, बट जो अफगानिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड हरा सकती है, नहीं जो अफगानिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया भी हरा सकती है, तो भाई वो इतना भी दम रखते हैं बस कि किसी दिन पे वो साउथ अफ्रीका नहीं, देखो दम रखते हैं प्रियांशु, लेकिन एट द एंड देखिए साउथ अफ्रीका जीत रहा नहीं है, ये बॉलिंग अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो इंडिया और साउथ अफ्रीका दो ही ऐसी टीमें जिनकी बॉलिंग अटैक सबसे बेहतर रही है, और इसी में यहाँ पे जो अफगानिस्तान की बैटिंग है सिर्फ ऊपर से दो ही है, गुरबाज जादरान, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं और जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग यूनिट चल रही है बहुत मुश्किल होगा उनके सामने रिकवरी करना, यही रीजन है साउथ अफ्रीका को बहुत है, तो मतलब आप कायदे से कहना चाह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का वही है जो हम हमेशा जब भी अफगानिस्तान जीता है कुछ होता है, अभी भी अफगानिस्तान का वो बताया अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर, मिडल ऑर्डर में एक रुपए का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो इवन इस समय अफगानिस्तान के फैंस वो भी अग्री करेंगे यार, आप जो मर्जी मैच देख लो, चलो आप बोल रहे हो अफगानिस्तान राइट, अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका आती है कौन जीत रहा है सेमीफाइनल, अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है और सामने साउथ अफ्रीका होती है, ऑस्ट्रेलिया 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 वहां जाके भी हारा हमारे लिए नहीं यार, देखो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में मुझे लगा आज भी आपको शर्म नहीं आ रही हार के यार, देखो मैं खुद कह रहा हूं बहुत सरप्राइज्ड हूं, जेन्युइनली मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं, आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी हो गया बट मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हुआ क्या है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा ऐसी बात, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बात बताओ यार ऐसा एक बात है जो रोहित शर्मा की आज बैटिंग हुई है ना किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी, रोहित शर्मा को खुद नहीं उम्मीद होगी कि इतनी अच्छी वो बैटिंग, आज वो अकेला ही मैच जिता गया आदमी, सही बात है नहीं अकेला, ये अच्छी बैटिंग देखिए इतनी अच्छी बैटिंग के बावजूद रोहित शर्मा की आप 205 ही पहुंचे हो, और वो इतनी गंदी बैटिंग करके विकेट्स दे देके भी 180 पार हो गए थे, वो इतने मार्जिन से नहीं हारे, कोई आपने 150 रन पे नहीं रोक लिया उनको, पूरा मारा है और वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग जो अक्षर ने कैच करी है, तो ये तो है अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेंगे एट एनी अदर पॉइंट एनी अदर डे, आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इनको लीग मैच में हराया था कि नहीं हराया था, इन्होंने फाइनल में आपको वन साइड मार दिया था, ऑस्ट्रेलिया तो वो टीम इसीलिए मैं इतने दिन से चला रहा हूं भाई इनको तो बाहर करो, आने मत दो इनको, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बाहर करो, अगर ये वाकई आगे सेमीफाइनल में तो ये हरा भी सकते हैं साउथ अफ्रीका को।